लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति अर्जित करने का बिल्कुल असफल प्रयास कर रहे हैं। इस बीच में ये तो मौके की तलाश में रहते हैं, किसी सेनानी उनानी के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं होता है। ये तो बोल लेंगे, अब देखिए सदन का बहिष्कार कर दिए, कि क्या होता है, ये सदन का अपमान नहीं है। आपने मंत्री को कहा कि जब हम आपको इजाजत देंगे बोलिएगा, आप जब बोलते मंत्री बता देते। और इतना तो हमें पता है कि महागठबंधन के किसी नेता या किसी मंत्री की कोई मंशा शहीदों या देश के प्रति समर्पित लोगों के अपमान की कभी हो ही नहीं सकती है। महोदय कि महोदय वह बाबा साहब अंबेडकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को बढ़ाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचार के मानने वाले लोगों का गांव है महोदय, और अभी तक सड़क से मरहूम है। तो हम चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द उसको कराया जाए। महोदय नहीं अध्यक्ष महोदय, जवाब में तो स्पष्ट हमने बोल ही दिया है कि जो है समीक्षा प्रणाम निधि की उपलब्धता को देखते हुए इसकी जो है हम लोग कार्रवाई अग्रसर कार्रवाई जो है करेंगे। धन्यवाद, इसमें हम लोग स्वीकारात्मक है, सब बात को मान रहे हैं इनकी। माननीय सदाश्री जय प्रकाश यादव, माननीय सदाश्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय सदाश्री प्रमोद कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने जो उदारता दिखाकर सदन के नियम को एक तरह से स्थगित करते हुए प्रश्नकाल के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत दी, हालांकि ऐसा नियम में नहीं है, आपको विशेष अधिकार है। हमने भी सरकार के तरफ से कहा था कि अगर आसन उदारता दिखा रहा है तो सरकार को एतराज नहीं है, लेकिन हमने उसी समय ये आशंका जाहिर की थी कि कहीं ऐसा न हो कि आप उदारता से उनको बोलने की इजाजत भी दे दें, वो बोल भी ले और फिर आदतन किसी दूसरे की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। अध्यक्ष महोदय बार बार वो मंत्री की बात कह रहे थे, मंत्री जी अगर खड़े हुए थे तो आपने कहा कि मंत्री बोलेंगे जब हम इजाजत देंगे, प्रश्नकाल के बाद कोई भी मंत्री के भी स्पष्टीकरण देने का प्रावधान अपने विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसमें उसके लिए भी समय मुकर्रर है, समय निश्चित है कि किस व्यक्ति को किस तरह की चीज या बात कब बोलना है। तो आपने कहा कि भाई आपको जब इजाजत देंगे प्रश्नकाल के बाद मंत्री स्पष्टीकरण दे देते, लेकिन किसी चीज में तो उनका जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, इनको शहीदों से क्या लेना है, शहीदों के अपमान का तो समझिए एक तरह से एकाधिकार सर्वाधिकार सुरक्षित है भाजपा का, अभी क्या स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। और जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान करने में नहीं चूकते हैं, तो ये अभी गलवान के शहीदों के प्रति घड़ियालू आंसू बहाकर किसकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, ये तो समझिए महोदय। नेता प्रतिपक्ष का इलाका, क्षमा कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री का इलाका है, इन्होंने स्वयं सदन को बताया कि वे स्वयं गए थे और उस समय विपक्ष में थे, फिर भी इन्होंने संवेदनशीलता दिखाते हुए, उनके परिवार की मांग थी कि यहाँ पर एक उनकी मूर्ति लगाई जाए, इन्होंने पार्टी के तरफ से उसकी घोषणा भी कर दी और अलवा भी दिए हैं और मूर्ति बना भी लिए हैं, मूर्ति बन चुकी है ये भी सूचना दे रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद बिना मतलब का तिलकत अगर वहां पर कोई यहां लगाए, जैसा नेता जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब जहां लगना था उनकी अपनी जमीन छोड़ के किसी दूसरे के जमीन पर वो कह रहे हैं, जो शायद अनुसूचित जाति के परिवार की है, तो उस पर सरकार या कोई पार्टी कैसे जबरदस्ती लगा देगी। अब
इस बीच में ये तो मौके की तलाश में रहते हैं, किसी सेनानी उनानी के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं होता है, और जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बदलना चाहता है, उस पार्टी या उस पार्टी के नेता को देश के शहीदों के प्रति कुछ भी भावना रखने का कोई अधिकार नहीं है महोदय। इसलिए हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको स्मरण होगा कि यही आशंका हमने जताई थी कि ये तो बोल लेंगे, अब देखिए सदन का बहिष्कार कर दिए कि क्या होता है, ये सदन का अपमान नहीं है। आपने मंत्री को कहा कि जब हम आपको इजाजत देंगे बोलिएगा, आप जब बोलते मंत्री बता देते, और इतना तो हमें पता है कि महागठबंधन के किसी नेता या किसी मंत्री की कोई मंशा शहीदों या देश के प्रति समर्पित लोगों के अपमान की कभी हो ही नहीं सकती है महोदय। ये महागठबंधन के सदस्यों की मतलब क्या है, उनकी भावना है, कैसे कोई अपमान कर देगा। लेकिन ये घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों की सहानुभूति अर्जित करने का बिल्कुल असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते।